कराची से खबर है जहां केएमसी इजलास के दौरान सिटी काउंसिल हॉल में हंगामा। तहरीक इंसाफ के धड़ों की आपस में ही हाथापाई देखने में आई है। पीटीआई मुनहरिफ रुकन असद अमान की तकरीर के दौरान शोर शराबा हुआ। इस पर बात करते हैं, समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइएगा कि कैसे ये शोर शराबा होता रहा, बात हाथापाई तक जा पहुँची? जी बिल्कुल, सिटी काउंसिल का इजलास आज भी हज़्ब मामूल हंगामा आरई के साथ ही शुरू हुआ और उस वक्त हंगामा आरई शदीद हुई जब पीटीआई के असद अमान तकरीर कर रहे थे। तो असद अमान चूंकि मुनहरिफ अरकान में शामिल है पीटीआई के, जो वोटिंग में शरीक नहीं हुआ था, तो इस दौरान जो इमरान खान का एक ग्रुप था पीटीआई का, उसके एक रुकन ने शोर किया। उसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुंची और काफी शोर शराब हुआ, जिसके बाद जमा इस्लामी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अरकान ने इन दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। असद अमान का मौका था कि ये एहसान फरामोश हालात खराब कर रहा है, जबकि वो शख्स असद अमान और उनके ग्रुप के ऊपर संगीन इल्जाम आयद कर रहा था और बहुत शदीद नारेबाजी थी, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका।